एक बच्चा अपनी माँ से बोला, मम्मी कोई कहानी सुनाओ ना। माँ बोली, बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। हाँ तू थोड़ी देर रुक जा, तेरे पापा घर आएंगे तो पूछूंगी कि इतना लेट क्यों हुए, तो देखना वो कितनी कहानियाँ सुनाते हैं। पिछले दिनों अमूल वालों ने दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ा दिए। इससे अच्छा भाई साहब हमारा दूध वाला है, दाम नहीं बढ़ाता, बस पानी बढ़ा देता है। एक बार एक आदमी अपनी आंखें डोनेट करने गया, तभी काउंटर पर बैठे क्लर्क ने शराबी से कहा कि कुछ कहना चाहते हो क्या? शराबी बोला, हाँ जिसको भी मेरी आंखें लगाओ उसे बता देना कि ये 2 पैग के बाद ही खुलती है। एक व्यक्ति घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसकी धर्मपत्नी का 11वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड हाथ में आ गया। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर वो अभी तक बेहोश है। चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखा था, मधुरभाषी एवं शांति प्रिय छात्रा। जियो के रिचार्ज बढ़ने के बाद कुछ लोग जियो से पोर्ट कर रहे हैं BSNL में और अन्य कंपनियों में। तभी अंबानी जी की एक मार्मिक अपील आ गई है कि जो लोग जियो से पोर्ट करके जा रहे हैं उनकी कॉल हिस्ट्री उनकी बीवी को भेज दी जाएगी। जियो या मरो, आपकी मर्जी। एक जज साहब ने कहा कि तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? लड़का बोला कि जज साहब मेरी वाइफ मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और कपड़े धुलवाती है। जज साहब बोले, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आँखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो ताकि आसानी से साफ हो जाएंगे। कपड़े सर्फ में डालने से आधा घंटा पहले सादे पानी में भिगो दो, दाग आसानी से निकल जाएंगे और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी। लड़का बोला, समझ गया हुजूर, अर्जी वापिस दे दो। जज बोला, क्या समझे? लड़का बोला, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज़्यादा खराब है। एक पति ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। किचन में गया, 4 पीस ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है, उसकी पत्नी बार बार पूछ रही है कि मेहंदी भिगोई थी कहाँ गई। यूपी के लड़के कमाल के ही होते हैं। एक लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तभी लड़की का बाप बोला, कितना कमा लेते हो? लड़का बोला, 18,000 रुपये महीना। लड़की का बाप बोला, 15,000 तो मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी देता हूँ। लड़का बोला, वो मिला के ही बोल रहा हूँ अंकल। एक आदमी संडे को डॉक्टर साहब के पास गया। आदमी बोला, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी मुझे कुछ समझती ही नहीं, हर समय चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है, मेरा जरा भी कहा नहीं मानती, क्या आप उसे शांत करा सकते हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, कहा, अबे ये सब इतना आसान होता तो क्या मैं संडे को क्लिनिक खोलकर बैठता।